प्रदूषण हटाओ देश बचाओ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है, मैं न्यायाधीश का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी सिन्हा है, मैं वकील का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, मैं प्रदूषण बचाओ पक्ष की वकील हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रीतिका है, मैं भारत माता का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सजना है, मैं यमुना का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है, मैं मंदिरी का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है, मैं गंगा का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है, मैं प्रदूषण का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक है, मैं पेशकार का पात्र। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है, मैं नागराज वासी का पात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है, मैं ताजमहल का पात्र हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, इस प्रदूषण ने पूरे देश भर में हाहाकार मचा रखा है। हर गली हर मोहल्ले में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां और वायरस उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए जज साहब, आज मैं इस प्रदूषण पे याचिका दायर कर रही हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रदूषण मुजरिम है? मैं अपनी पहली गवाह वन देवी को अदालत में बुलाना चाहूँगी। वन देवी अदालत में हाजिर हो। जज साहब, मैं वन देवी हूँ। जब इस प्रदूषण ने मेरे साथ खिलवाड़ करना नहीं छोड़ा, तो मैंने इसकी शिकायत अपने दोनों भाइयों से की, वन कुमार और पवन कुमार। और इस प्रदूषण ने मेरे वन कुमार को मार ही डाला और पवन कुमार को अपाहिज कर डाला। जज साहब, अपाहिज कर डाला। प्रदूषण वन कुमार और पवन कुमार मुझे सुधारने चले थे, मैंने उनको ही खत्म कर डाला। और कोई भी मुझे सुधारना चलेगा, मैं उसको खत्म ही कर जाऊंगा। यह बात तो मेरे घर में मजाक में कही थी। जज मजाक मजाक वो नहीं होता जो किसी की जान पर बनाए। सोचिए, अगर ओजोन परत पे छेद हो जाएंगे तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सारे जीव जंतु वनस्पति नष्ट हो जाएंगे। जज साहब, नष्ट हो जाएंगे। अब मैं अपनी दूसरी गवाह गंगा को अदालत में बुलाना चाहूँगी। गंगा, अदालत में हाजिर हो। जितना काला मैं उतनी काली तू गंगा, उतनी काली तू। देखा आप लोगों ने, आज इस प्रदूषण ने गंगा को भी अपवित्र कर दिया है। आप इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं? नो क्वेश्चन साहब। अब मैं अपनी दूसरी गवाह यमुना को अदालत में बुलाना चाहूँगी। यमुना, अदालत में हाजिर हो। जज साहब, मैं यमुना हूँ। ये गंगा को कानपुर में और मुझसे दिल्ली में मिला। जब मैं अपनी बहन गंगा से मिलने इलाहाबाद गई तो मेरी दृष्टि खुली कि इस प्रदूषण का काम ही यहाँ है, समाज में गंदगी फैलाना। अब मैं क्या ही कहूँ जज साहब, जब मेरे धोबी भाइयों ने मुझे छोड़कर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना शुरू कर दिया। हाँ 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 मैं हूँ प्रदूषण।
जज साहब मेरा और यमुना का तो जन्म जन्म का साथ है। आप इसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं? दो प्रश्न साहब। देखा आप लोगों ने इस प्रदूषण ने तो यमुना को भी प्रदूषित कर दिया है। अब मैं ताजमहल को अदालत में बुलाना चाहूंगी। ताजमहल अदालत में हाजिर हो। जवाहर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं ताजमहल आ रहा हूँ। तुम्हें प्रदूषण से क्या शिकायत है? जवाहर शुरू में मैं और यमुना काफी अच्छे दोस्त है, पर इस प्रदूषण ने मुझे यमुना से बहुत दूर कर लिया है। मैं हूँ प्रदूषण, तू तो उसके साथ बरसात में रहता है, मैं तो उसके साथ हर समय रहता हूँ। मुझे धमकी देता है, मैं तुझे जल्द ही मार दूंगा, पर इसके कारण तो मुझे पीलिया हो गया है। देखा आप लोगों ने, सात अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आज इस प्रदूषण ने उसे भी प्रदूषित कर दिया है। आप इससे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है? दो प्रश्न रखा है। जय साहब, मैं भारत माता हूँ, बड़ा नाज था मुझे अपने दोनों बेटे वन कुमार और पवन कुमार और अपनी दोनों बेटियाँ गंगा और यमुना, पर मेरे परिवार को तो इस प्रदूषण ने तबाही कर डाला। जब साहब तबाही कर डाला। माता जी यहाँ का कहीं चल रही है, आप कृपया करके चुप रहिए। देखो आप लोगों ने आज इस प्रदूषण ने भारत माता को भी प्रदूषित कर दिया है। अब मैं नागराज वासुकी को अदालत में बुलाना चाहूँगी। नागराज वासुकी अदालत में हाजिर हो। जज साहब मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कहो, क्या निवेदन करना चाहते हो? जज साहब मेरा नाम नागराज वासुकी है, मैं माँ यमुना में मेरा निवास है। मैं भी पहले इस प्रदूषण की तरह माँ यमुना को प्रदूषित किया करता था। तभी श्री कृष्ण ने मुझसे वचन लिया और मेरा वर्धन किया। मैं इस न्याय के मंदिर में जब महसूस कर रही हूँ तथा मैं इस अपराधी का केस लड़ रही हूँ, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। शाबाश मेरे काबिल दोस्त पर कुमार, जिसकी जंगलों से लोग लकड़ियाँ लाते थे, आज इस प्रदूषण ने उसे ही मार डाला। पवन कुमार, जिसकी हवा में हम लोग सांस लेते हैं, आज इस प्रदूषण ने उसे ही अपाहिज कर डाला। गंगा, जिसका जल छिड़काव के लिए किया जाता था, आज इस प्रदूषण ने उसे भी प्रदूषित कर दिया। और तो और, इस प्रदूषण ने भारत माता और यमुना को भी प्रदूषित कर दिया। सात अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आज इस प्रदूषण ने उसे भी प्रदूषित कर दिया। इसीलिए जज साहब, इस प्रदूषण को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, कठोर से कठोर सजा। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। तमाम गवाहों, सबूतों तथा वकील साहिबानों की गिरा सुनकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्रित प्रदूषण का अपराध बहुत ही संगीन है, लेकिन इसको पैदा करने और इतना खूंखार बनाने के पीछे किसका हाथ है, इसका फैसला यह अदालत आप लोगों पर छोड़ती है। आप लोग फैसला करें कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए। हमें सजा तो हम फैलाते में कूड़ा, हमें सजा तो हम फैलाते हैं गंदगी, हमें सजा तो हम फैलाते हैं वायु प्रदूषण, हमें सजा तो हम काटते हैं पेड़, हमें सजा तो हम फैलाते हैं प्लास्टिक, हमें सजा तो हम करते हैं पानी को गंदा, हमें सजा तो हम लगाते हैं जंगलों में आग, हमें सजा तो हम फैलाते हैं ध्वनि प्रदूषण। प्रगति की चिंगारी से, प्रगति की चिंगारी से जीवन जल रहा है, जीवन जल रहा है। हर सांस शिकायत करती है, हर सांस शिकायत करती है। प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। हर संसाधन दिया प्रकृति ने, हर संसाधन दिया प्रकृति ने। खुश खुश जीवन जीने का, खुश खुश जीवन जीने का, लेकिन हमने नए नए जख्म दिए, लेकिन हमने नए नए जख्म दिए। प्रकृति के सीने को, प्रकृति के सीने को वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट दिया, वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट दिया। जहर हवाओं
जहर हवाओं में घोल दिया बेशुमार सागर और नदियों को, बेशुमार सागर और नदियों को हमने गंदगी का उपहार दिया, हमने गंदगी का उपहार दिया।